ग्रीटिंग्स बच्चों, आज हमारी शिक्षा निदेशालय की ओर से वर्कशीट नंबर 24 आई है, जिसका टॉपिक है प्रकाश। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना जो है हमारी आंखों के अंदर वो दीवार होती है या वो पर्दा होता है जिस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, यह लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। तो ये कितना टाइम लेता है, हमारी रेटिना पर कोई भी प्रतिबिंब बनता है ना, वो 1/16 सेकंड तक बने ही रहता है। अगर हम यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखें, तो वह नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। ये कहना चाह रहा है, अगर हम किसी चीज को किसी एक फोटो लें और उसको अगर हम मूव करें, अगर उसको हिलाएं या फिर घुमाएं, गति कराएं उसमें, तो हमें महसूस होगा कि वो जो फोटो है वो चल रही है। एक तरीके से हमें वो फोटो वीडियो की तरह नजर आएगी। इसके लिए आपको नीचे एक एक्टिविटी भी दी गई है, एक क्रियाकलाप दिया गया है, जिसमें 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लिया विपरीत भुजा के बीचों बीच। ये दो आपको पेपर लिए, ठीक है, एक पे पक्षी बनाया है, एक पे पिंजरा बनाया है। इनके बीचों बीच दो छेद किए हैं, जैसा आपको इस फोटो में दिया गया है। इन दोनों छेदों में एक धागा पिरोया, गत्ते के एक और एक पिंजरा तथा दूसरी ओर पक्षी बनाकर उनके चित्र चिपकाए। धागे को मरोड़ कर उसमें ऐठन डाली और धागे के दोनों सिरों को खींचा। इसको आप घर पर भी देख सकते हैं, तो धागे की ऐठन खुल जाएगी और गत्ता जो है तेजी से घूमने लग जाएगा। इस तरीके से आपको महसूस होगा कि जब ये इस तरीके से घूमेगा, आपको लगेगा कि जो ये पंछी है ये बार बार पिंजरे के अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। तो घूमते समय पंछी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है। तो क्या आप जानते हैं चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में क्या होता है, हम मूवी कैसे देख पाते हैं, हमारे 1 सेकंड में हम 24 से भी अधिक चित्रों को एक क्रम में बदलते हुए दिखाई दिया जाता है। अगर हम 24 फोटोज लिए हैं और हमने एक क्रम में ही अलग अलग एक क्रम में उनको बदल दिया फटाफट फटाफट, तो हमारी आंखों पे जो रेटिना पे 1/16 सेकंड तक इमेज बनी रहती है, तो हमें पता लगेगा कि यह जो है चलचित्र है, कि हमें कोई वीडियो नजर आ रही है। तो इस तरीके से हम जो है चलचित्र या मूवीज को देख पाते हैं। अब आपको नीचे दी गई है नेत्रों की देखभाल। नेत्रों की देखभाल में हमारी आंखें अमूल्य है, इसलिए हमारी आंखें जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ज्ञानेंद्री है हमारी, जो हमें देखने में सहायता करती है, तो इनकी देखभाल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको नीचे गाइडलाइन दी गई है कि हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा करने से आंखों में व सर में दर्द हो सकता है। सूर्य टॉर्च या लेजर को सीधे नहीं देखना चाहिए, ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए, यदि आंखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। अपनी आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए, यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करें। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से आपको धोना चाहिए। पढ़ते समय किताब को उचित दूरी पर रखना चाहिए, किताब को ज्यादा पास या ज्यादा दूर रखने पर आंखों को नुकसान हो सकता है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो सकता है, रतौंधी, या हम इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात को जो है वो अंधापन अपना महसूस करते हैं और हम रात को देखना बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं रतौंधी। इसके लिए हमें अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीजें जैसे कि कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जियां का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करें। कोड लीवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता, इन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब इसी पर आधारित आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका आपको उत्तर देना है, स्वयं को जांचें। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? सभी को पता है किस भाग पर बनता है, रेटिना। रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है, ये भी हमें पता है, 1/16 सेकंड तक रहता है। हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं, तो आप ऊपर देखना, अभी हमने पढ़ा था कि चलचित्र या मूवीज को हम कैसे देख पाते हैं, जब हम 1 सेकंड में, यहां से लिखेंगे आप, चलचित्र में
हम एक सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। इस तरीके से हम चलचित्र को देख पाते हैं। यह आपका हो गया थर्ड का आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा है कौन सी होता है रोग, रतौंधी। यहाँ पे लिखेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, और फिर इससे बचने के लिए यहाँ से आप कोई भी भोज्य पदार्थ लिख सकते हो। कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जियां, दूध, दही, मक्खन, आम, पपीता। नेत्र की देखभाल के लिए कोई चार मुख्य बातें लिखें। तो आपको ऊपर से ये जो नेत्र की देखभाल के लिए बातें दी गई हैं, इनमें से आप कोई भी चार चूज करके लिख दीजिए, और इनको अपनी डेली लाइफ में भी ध्यान से अपनी आंखों की देखभाल कीजिए। अब आपको लास्ट में ये जरूर पढ़ना है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ये थी हमारी आज की सारी वर्कशीट, आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।